कुछ पोर्चुगीज थे जो यहाँ पे आए, पहले तो उन्हें यहाँ बियर वियर सस्ती मिली। बेसिकली दिस इज अ एंट्रेंस ऑफ फोर्ट। कुछ इतिहास बताना चाह रहे इस फोर्ट के बारे में, कुछ इतिहास तो मुझे लगता है तुझे लगता पता होगा कुछ। हमारे पास हम गाइड ढूंढ रहे थे, हमें मिला तो है नहीं। कुछ पोर्चुगीज थे जो यहाँ पे आए, पहले तो उन्हें यहाँ बियर वियर सस्ती मिली। वो एक तो वो चीज़ अच्छी लगी, बाद उन्होंने सोचा कहाँ रेस्ट वेस्ट कहाँ करें, होटल नहीं थे पहले। चलो एक बना एक फोर्ट बनवा दिया। हाँ अब यही मनोरंजन करते थे अपना, इधर उधर कमरे बनवा लिए थे तीन। हाँ ये जैसे तोप वोप लगा दी, कोई आ जाए पेल दो साले को आ जाए तो इनका दो तीन पता थे, बीयर पीना ऐसे होटल में आराम करना, और जो कि फोर्ट बहुत अच्छा बनवाया उन्होंने। तोप दिखाना चाहिए का, ये रही तोप, तोप ये रही देखो तोप, इनसे मतलब गोलीबारी कर लेते हैं थोड़ा, जैसे ये मेरे समुद्र के किनारे को आता होगा तो यहाँ से तोप कर दूंगा। अरे शौक के लिए था मोस्टली, ये चलती नहीं है, चलती है, चलती थी अब नहीं चलती। हाँ ये शौक के लिए बनवाए इन्होंने, जैसे आजकल शूटिंग वूटिंग करते हैं लोग, जाके पेंट शूट है वो जो कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं मैं चला रही, देखते थे कितनी दूर तक जाएगा। अब ये तीन लोग कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, हाँ किसका दूर जाएगा। हाँ यही है इन सब का काम, और कौन ही आएगा शिकारी है। ऐसी है यही है इसकी स्टोरी देखो। अच्छा ये तो होता है कि लोग सोचते हैं सिर्फ अंग्रेजों ने राज किया इंडिया पे, अंग्रेज पोर्चुगीज तो अंग्रेज नहीं है। हाँ वो तो पोर्चुगल के, हाँ पोर्चुगल इज मीन्स नेदरलैंड है ना, फिर पोर्चुगल जो है स्पेन के पास में, स्पेन के पास में, ओके सॉरी, पोर्चुगीज वहीं की भाषा है और पोर्चुगीज एक अलग ही वो है। हाँ हाँ कॉलोनी कह लो जो पहले काफी फेमस थी, मतलब काफी उनके जगह जगह उन्होंने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब ये करते क्यों थे, एक मतलब देश अपने देश में प्यार ही नहीं लगता, दूसरे देशों पे आ जाते थे। अरे मैं बताता हूँ ये ना, पहले तो इसलिए करते, पहले शुरू में जब एक्सपेंशन हुआ तो इसलिए हुआ, जैसे इनके यहाँ पे कोई चीज उगती नहीं है तो दूसरे की जगह कब्जा करके वहाँ उगाने लग गए, मतलब डेवलपमेंट के लिए पहले किया, उसके बाद धीरे धीरे मजा आने लग गया। मजा आने लग गया कि जितना ज्यादा इनको एक्सपेंड करोगे उतना अच्छा लगेगा अपना शान शौकत, धीरे धीरे ऐसे फिर इंडिया वाले को फिर पता लगता है तो हमारी मारने लग गए, तो फिर इनको भगाने लगते हैं। और कुछ बताए इतिहास इसके बारे में, मतलब मैं और क्या बताऊं, बंदूक चला के दिखा देता अगर मैं। अच्छा यहाँ से ये जो है इसको खोल के इसमें बारूद भरना है, हाँ और आग लगा देनी है। अच्छा पहले माचिस भी नहीं होते, पहले लाइटर होते थे। लाइटर से पहले पत्थर से आग जलाते थे, लाइटर भी होते थे पहले, जो जो जरूरी चीजें वो पहले से होती। चल ठीक है, इधर कुछ देखना है तो कुछ बता, यहाँ पे भी फिर मत जाना बस। अच्छा लग रहा है, ये जो अंग्रेज थे ना, जो भी पोर्चुगीज वगैरह, इनको एंजॉयमेंट चाहिए थी सर, इन्हें कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या उग रहा है क्या, इनका यह था पर्पस एंजॉय, बस देखो व्यू देखो, एंजॉय करते थे यहाँ बैठ के, बस यहाँ बैठ जाते थे पैर फैला के। मेरे को लगता है ज़्यादा व्यू देखने पर भी बंदे को सिकनेस हो जाती है उस चीज़, वो तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं। कर दो शुरू, देखो ये पहले ये बोर्ड देखा, ये है शस्त्र ग्रह, यानी कि आर्मर हाउस, यहाँ पे ना मॉडर्न वाले शस्त्र थे, जैसे जब बोर हो गए वो आग लगा लगा के लाइटर से, तो यहाँ पे आते थे, और पहले दिखा देते, जो आज के जमाने में जैसे आर्टिलरी टाइप कुछ लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं।
इसमें ये ऑटोमेटिक है, जैसे जब बोर हो गए वो माचिस लगा लगा के तब यहाँ आ जाते, तो ये मशीन के अंदर चलती है बटन और ओके इस तरह से चलती है। तो ये वो मेरे को लग रहा है शील्ड है ना, वहाँ से छुपके वार होता था, एक दूसरे को ही मारते थे वो खेलते थे ऐसे बचपन में, जैसे पेंट बॉल गेम खेल रहे यहाँ पे भागते रहते थे तो इसको अच्छे से दिखा। हाँ कैसे, हाँ हाँ छुप गया, हाँ दुश्मन को, हाँ ये जो बटन है ना इसको पहले ऐसे करना होता था, अब ये जम गया है क्योंकि इसमें जंग लगने लग गया है, तो इसको ऐसे करो देखो ये खेलने के लिए यूज होता था, खेलने के लिए जैसे वहां खेल रहे थे वो, वहां तो कितना डिस्टेंस जाएगा, यहां पे बाहर के खेलते तो ये ऐसा ही है, ये मतलब गेम्स हैं ये ओके ये सेंट थॉमस चर्च ये आ जाए इधर से इस चर्च में, हाँ चर्च में क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो इसीलिए बताया मतलब मार मूर दिया किसी ने एक गोली में दूसरे यहाँ के सॉरी उधर ही वो आर्मर से वहाँ खेलते हैं यहाँ प्रेयर करते हैं, हाँ बिल्कुल सामने ही है ना मतलब जहाँ पे सामने आर्मर है उसका, हाँ तो उसको बोला चलो सॉरी भगवान मर गया वो मेरे से ठीक है बस इतना ही काम है इस चर्च। गाइज ये है लाइट हाउस, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको भी आगे बता दूँ, ठीक है आ जाओ पहले ये दिखा ये लाइट हाउस तो यहाँ अब लाइट कम हो गई, पहले मैं पुराने जमाने में हुआ करता था लाइट हाउस ही बोलते थे, लेकिन इसका पर्पस यहाँ पे लोग आते थे जैसे अभी आप लोग जाते होंगे डाउन टाउन एक प्रैंकस्टर वो क्या है जहाँ पे आप शाम को जाते हो और इन्जॉय करो, जैसे मैंने बताया बियर भी पीते थे लोग पोर्चुगीज बियर भी पीते थे होटल था उनका, तो ये एक लॉन्ज है उनके लिए ओके यहाँ पे एक लाइट होती है जैसे आपने देखा होगा प्रैंकस्टर में आपके गोल्ड कलर की वो होती थी बॉल इसमें लाइट जलती है तो उस पर बड़ा ही डांस वाला माहौल हो जाता है, वैसी एक लाइट यहाँ पे हाँ वो लाइट जलती है रात के लिए होता था ये प्लान तो वो लाइट जलती थी लोग यहाँ डांस करते थे आसपास एंजॉय करते थे बियर वियर नीचे से ले आते थे फिर वापस जाके नीचे सो जाते थे तो देखो ये कैसी जगह जैसे यहाँ पे स्टेज था चढ़ के वो बार काउंटर था यहाँ से अगर किसी को ड्रिंक लेनी है जैसे बियर लेनी है यहाँ से बियर लेनी है ओके अगर जैसे मैं तुम्हें पता था तोप एंजॉय के लिए चलाते थे ये तोप किसी का मन कर रहा है जैसे एक तोप चलाने यही तो था लाइफ का बट पोर्चुगीज क्या करते थे एंजॉय और हम भी क्या करते हैं एंजॉय मतलब इंसान का पर्पस क्या एंजॉय